वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ हैं तशफीन सफ़दर और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं जस्ट वांट टू शेयर द वर्ल्ड वाइड नंबर्स क्या हैं और पाकिस्तान के। जी वर्ल्ड वाइड 4.5 मिलियन क्रॉस कर गया है कोरोना वायरस से जो पेशेंट्स हैं। डेथ रेट जो है 3,04,252 हो चुका है जी वर्ल्ड वाइड। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, कन्फर्म्ड केसेज जो हैं वो 37,218 हैं। लास्ट 24 आवर्स में 1,430 लोग आए हैं। लास्ट 24 आवर्स में अनफॉर्चुनेटली 33 डेथ्स हुई हैं जी। लास्ट 24 आवर्स में जो टेस्ट हुए हैं दैट्स 13,700। टोटल टेस्ट जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में टिल टुडेज डेट 3,44,450 हुए हैं। लास्ट 24 घंटों में जो टेस्ट हैं वो अब इंक्रीज होने काफ़ी ज़्यादा शुरू हुए हैं। डेथ टोटल पाकिस्तान में 803 हुई हैं। रिकवर्ड 10,155 हैं जी। सिंध के अंदर 14,099, पंजाब के अंदर 13,914 और पंजाब के अंदर लाहौर में स्पेसिफिकली फ्राइडे सैटरडे संडे लॉकडाउन अनाउंस हो गया जी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 866, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423, बलोचिस्तान में 2,310, एजे के में 105 और जीबी के अंदर 501। तशफीन साहब आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। जब एक बड़ा मेन क्वेश्चन मेरे ख्याल में अब तो हर एक पूछ रहा है ये कि जब 26 लोग उस वक्त लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया और अब जब 37,218 प्लस हो गए हैं लोग तो अब लॉकडाउन को ओपन कर दिया गया, ऑपोजिशन का ये व्यू पॉइंट है कि आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसको थोड़ा सा ईज करने के लिए आप लोग लॉकडाउन को रिमूव कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? सबसे पहले तो मंसूर थैंक यू कि आपने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ पे। और मैं ये कहूँगी कि देखें, अनफॉर्चुनेटली हमें इस वक्त जिस मुसीबत का सामना है, आज से पहले इस किस्म की मुश्किल पड़ी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मुश्किल इस वक्त हम पे पड़ी हुई है। तो जहाँ तक ये बात आप कर रहे हैं कि लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी की, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस वक्त बेहतरीन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रही है और जितना मैक्सिमम पाकिस्तानी अवाम को बचाने की कोशिश हो सकती है या सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से हमें चीज़ों को जो फैसले लेने पड़ते हैं हम उस तरह से लेते हैं। मेरा ख्याल है जो शुरू का लॉकडाउन था उससे बहुत बेहतरी रही सिचुएशन में और उसको एज ए रिजल्ट हमारे जो केसेस हैं वो इतने नहीं बढ़े जितने के बाकी दुनिया में हैं। और अभी जो सिचुएशन है मैं ये समझती हूँ कि बाकी, क्योंकि हमें वाइडर एस्पेक्ट में सोचना पड़ता है, जो बंदा हुकूमत चला रहा होता है पीएम की अगर बात करते हैं तो उन्हें वाइडर एस्पेक्ट में बहुत से फैक्टर्स को बल्कि सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के फैसले करने पड़ते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो फैसला वो लेते हैं वो बहुत सी चीजों को सामने रख के ले रहे होते हैं और बहुत एक्टिवली लेते हैं। अगर लॉकडाउन करना है, अगर लॉकडाउन खोलना है या उसमें नरमी करनी है, मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत विजिलेंट किस्म के पीएम है आपके जो हर वक्त फौरी तौर पे एक्टिवली अपने डिसीजंस लेते हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट, आप देखें कि अगर हेल्थ का डिपार्टमेंट है आपका, ट्रैवलिंग का है, एजुकेशन का है, जो जिस तरह से हर महकमे के अंदर प्रॉपर स्ट्रेटजी इस सिचुएशन को मद्देनजर रख के प्रॉपरली बनाई जा रही है। अच्छा ताशफीन, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है स्ट्रैटजी बनाई जा रही है और इसको बल्कि शाइस्ता परवेज मलिक भी हमारे साथ हैं। शाइस्ता जी मुझे एक चीज़ बताइएगा, लोगों का ये ख्याल है कि अभी एक हफ्ते का सेशन हुए हैं, पार्लियामेंट का भी हुआ है, सेनेट का भी हुआ है, उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं हुई, हुकूमत की तरफ से बताया गया ये चीज़ें करनी, ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद आई, ऑपोजिशन और हुकूमत कोरोना के ऊपर भी एक पेज पर नहीं आ रही और लोगों का ये ख्याल है कि जी हमें सिर्फ एक अंधेरी वो टनल से गुजारा जा रहा है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपका क्या इस पर मौकफ है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मंजू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। पहली बात तो मुझे तशफीन की बिल्कुल आवाज नहीं आई है। अच्छा, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखें, हम एक मिसाल है कि आप जो कह रहे हैं ना एक पेज पे नहीं आई और कुछ समझ नहीं आई, देखें ऑपोजिशन का काम है तनकीद करते हुए इनको कोई रास्ता दिखाना। वो आप किसी की तकरीर भी उठा के देख लें, चाहे वो शाहिद खाकान हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, डॉक्टर चीमा हैं, या सेनेट में मुसद्दक मलिक हैं, जफरुल हक हैं, सब ने
تنقید کے ساتھ سجیشنز بھی دی ہیں, لیکن دیکھیں منظور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطی سے سیکھتے ہیں, کچھ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کسی طرح بھی نہیں سیکھتے. تو میرا خیال ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے. دیکھیں جب اسمبلی کے فلور پہ سجیشنز آ رہی تھیں تو اس وقت بھی فلور, اول تو وہاں پہ جواب دینے کے لیے, پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے, پالیسی بتانے کے لیے ان کا ہیلتھ منسٹر, جو کہ بدقسمتی کہہ لیں پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ خود تھے. اب ماضی میں کتنی تنقید ہوئی تھی کہ جی منسٹر نہیں ہوتا جب وہ ادارہ خالی ہوتا ہے, اول تو وہ آنے کی انہوں نے تکلیف ہی گوارا نہیں کی, اور جو فورن منسٹر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس نے آ کے وہ دیا, لیکن اس کے بعد اسمبلی میں معمول کے مطابق ان لوگوں کو دیا گیا جو انگلیاں اٹھائیں, گالی گلوچ کریں اور بدتمیزیاں کریں, جس پہ ایک آدھ واک آؤٹ بھی ہوا. لیکن اگر آپ تمام تقریر اٹھا کے دیکھ لیں منظور, تو اس میں سجیشنز بھی آئی ہیں, اس میں سوال بھی پوچھے گئے ہیں, اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ آخر فیصلے کون کر رہے ہیں, اگر اشرافیہ پرائم منسٹر کو مجبور کر کے لاک ڈاؤن کرا دیتی ہیں تو کون ہیں وہ لوگ, اور کیا پرائم منسٹر اتنے بے بس ہیں کہ وہ مجبور اور پریشر میں آ کے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. مجھے ذرا ان پہ جواب لینے دیجئے گا. جی جو اب ساری دنیا میں جبکہ یہاں ہمارا پیک پہ جا رہا ہے تو ہم ایز آؤٹ کر رہے ہیں. میں مجھے یہ جواب لینے دیجئے گا جی. اچھا تاشفین مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ابھی شائستہ پرویز صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کا پوائنٹ اپنی جگہ, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یورپ کو, ہم آج بھی پرائم منسٹر کو سن رہے تھے, یورپ کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, اٹلی اسپین جو لوور کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو, اپوزیشن جو ہے وہ نیوزی لینڈ تھائی لینڈ ان کی ایگزامپلس دیتی ہے, لاہور اسلام آباد کراچی کی اگر ہم بات کریں, مال روڈ گلبرگ, ادھر آپ کا جو ہے کوسار F7 F8, سوشل ڈسٹینسنگ نام کو نہیں ہے, پیپل آر منگلنگ اپ لائک دس کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ود فیملیز ود دیئر کڈس. آپ لوگوں نے تو جو پالیسی بنانی ہے, اپوزیشن جو اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے وہ تو ایک اور چیز ہے, لیکن لوگوں کو اس چیز کی ابھی تک ریئلائزیشن ہی نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کا امپیکٹ کیا ہوگا. دیکھیں جی میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت یہ جو ہے کرونا کے حوالے سے, منظور مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. جی میں شائستہ جی کرا رہا ہوں ان کی آواز کا, جی میں کرا رہا ہوں ایک سیکنڈ. جی جی تاشفین آپ کنٹینیو کیجیے گا. کرونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ حکومتی بیانیہ ہے, بالکل جی ہم اس پہ بحث کر کے ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دینا چاہتے ہیں کہ اسے ہینڈل کس طرح کرنا. رہی بات اجلاس کی, تو اجلاس میں اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ ہی اجلاس بلایا گیا تھا, اور اس میں جو سجیشنس آئیں جو کہ پازیٹیو اور جو کہ واقعی ورکیبل سجیشنس آئیں ان کو ان متعلقہ اداروں تک پہنچا بھی دیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سجیشنس دینا اور تنقید برائے تنقید کرنے میں فرق ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کو تنقید برائے تنقید سے نکل کر پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے, اور اگر حکومت کچھ اچھے اقدامات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ شامل بھی ہونا چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ پاکستانی عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اور جہاں تک آپ نے لاک ڈاؤن میں ایز کی بات کی اور یہ بات کی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یو کے کو یا ان کنٹریز کو فالو کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یو کے یا یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے پہلے دن سے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا تھا, اور اب 2 ماہ کے بعد وہ بھی اسی بات پہ آ رہے ہیں جو کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ ہم پوری طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ان ملکی معیشتوں کی بات ہے, یہ معیشت کے طور پہ استحکام ہے ان ملکوں میں, اور یہ لوگ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے تھے پہلے. ہوپ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اگر یہ افورڈ کر سکتے تھے تو اب 2 ماہ کے عرصہ میں یہ بھی اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں لاک ڈاؤن میں نرمی کرنی پڑے گی. لیکن ہم معاشی طور پر اس وقت بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ قطعاً کرونا کے ہونے نہ ہونے سے مشروط نہیں ہے, نہ ہی لاک ڈاؤن کرونا کو ختم کرے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے عرصے بعد ہم اس وائرس سے نجات حاصل کریں گے, اور لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے, اس سے تو ہم باقی سسٹمز کو بھی تباہ کر لیں گے. اچھا تاشفین مجھے ایک منٹ کی طرف گیا, تاشفین سویڈن وغیرہ جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ لاک
लॉकडाउन की तरफ गए, लेकिन यूके में जो डेथ रेट है वो स्वीडन और दूसरे टारगेटेड लॉकडाउन के इलाकों से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो बात ये नहीं है कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं या आप लॉकडाउन नहीं कर रहे, बात ये है कि आप कौन सी स्मार्टली स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, उन स्ट्रेटजीज को मुआशी हालत के हिसाब से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो और लोगों के लिए उसमें बेहतरी हो। ठीक है शाइस्ता जी, ठीक है ताश्विन आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है मैं आपके पास दोबारा आता हूँ जी। अच्छा शाइस्ता जी मुझे एक चीज बताइएगा, हम लोग थोड़ा सा शाइस्ता जी जरा सवाल ले लीजिएगा प्लीज। देखिए हम लोग बेसिकली पूरी दुनिया फॉलो कर रही है WHO की, जो वो लोग बेंचमार्क्स कर रहे हैं, लेकिन हर मुल्क ने अपनी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक लॉकडाउन करना है नहीं करना, किस हद तक करना है किस हद तक नहीं करना वो करना है। सवाल सिर्फ ये है कि आप लोग बीइंग इनटू ऑपोजिशन और ताश्वीन बीइंग इनटू द ट्रेजरी बेंचेस, कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा, क्यों? देखिए मंसूर, पहली बात तो मैं आपको ये बता, मतलब आप खुद भी देख लें कि अगर ये यूरोप को अव्वल ये हमेशा कहते रहे कि अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, अगर ये वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो वेस्ट ने अपना जो कर्व था उसको फ्लैटन करने के बाद वो ईज आउट कर रहे हैं, वो इनको या उनको देख के नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि WHO ने कहा है कि 15,000 टेस्ट पर मिलियन होना चाहिए। आप मुझे बताएं हम वहां तक पहुंचे हैं जो WHO की बात है, और जो ये बात कर रही है कि माशी तौर पे और अफोर्ड नहीं और वो नहीं, तो मुझे ये बताएं कि फिर इन्होंने शुरू में लॉकडाउन करके मईशत 3 हफ्ते में तबाह क्यों की, क्यों गरीब को मरवाया, फिर उस वक्त भी नहीं करना चाहिए था ना। ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट है कि ना हम इधर खड़े होंगे ना हम उधर होंगे, उधर होंगे तो अशराफिया ने करा दिया, पहले उसका क्रेडिट ले रहे थे फिर अब कहते हैं कि अशराफिया ने करा दिया, मतलब ये कंफ्यूजन जो है ये खत्म होनी चाहिए। और देखें बार बार जो हम कह रहे हैं वो यही है कि लोगों को जो भी आपने करना है जस्ट डू इट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं। देखें सेंटर कह रहा है कि लॉकडाउन होगा और प्रोविंसेस उसी मंडे को लॉकडाउन ईज करने का अनाउंस हुआ है, और ट्यूसडे को यहाँ पे पंजाब के, मैं तो पंजाब में इस वक्त हूँ और यहाँ के हालात बता सकती हूँ कि वो ईज आउट कर रहे हैं और वो बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं खोलने देंगे। तो जो कंफ्यूजन है वो सारी चीजों को खराब कर रही है। और जहां तक ऑपोजिशन एक पेज पे आने की बात है मंजूर, तो आप मुझे बताएं कि स्पीकर का इनिशिएटिव था और उन्होंने तमाम पार्टीज को बुलाया था, हेड ऑफ पार्टीज टू कम एंड मतलब उस पे सजेशंस, और आपको पता है वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अना की जो प्रवास पे हर वक्त रहते हैं वो अपनी तकरीर करके अच्छा, और शाइस्ता जी, शाइस्ता जी मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे बताएं। नो मंजूर, यू हैव टू आस्क एंड टेल मी, ही इज द हेल्थ मिनिस्टर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है जब उनके मुल्क में इतनी एक वबा ऐसी फैली, पेंडेमिक आया हुआ है जो जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है, तो उसमें उनका वहां बैठना जरूरी था कि नहीं? अच्छा, दिन से मुझे जरा ठीक है, ठीक है, मुझे जरा ये चीज शाइस्ता जी लेकर, ताश्वीन मुझे एक चीज बताइएगा, दो चीजें हैं जिसके ऊपर जब से इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में आई है टिल टुडेज रेट, आज की तारीख तक प्राइम मिनिस्टर असेंबली में नहीं आते और अपोजिशन लीडर अब नहीं आ रहे होते, पहले भी वो आउट ऑफ कंट्री थे वो नहीं आ रहे थे। सो जब तक ये दो हजरात नहीं आएंगे हुकूमत नहीं चलेगी, बाकी चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि हर दफ़ा यही एंड ऑफ डिस्कशन हो रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया जाता, उधर कहते हैं जी अपोजिशन लीडर को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, हम इस कहानी से बाहर निकल के आगे कुछ चलेंगे जी? जी मैं इसमें मंसूर ये कहना चाहूँगी कि बात पहले थोड़ा सा मैं पीछे से आती हूँ कि थोड़ा जो लॉकडाउन जो पहले कर दिया या बाद में कर दिया दिस इज़ नॉट द इशू। हर गवर्नमेंट ने ये देखना होता है कि पहले करने में उसे कम नुकसान है या बाद में करने में उसे कम नुकसान है। जो पहले किया गया उसमें भी ये चीज़ें वाजिया की गई कि हम किस तरह से अपने गरीब लोगों का ख्याल रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हर शोबा उसमें मुतहरिक था। और आप ये देखें कि उसमें हम हुकूमत की तरफ से 100 लाख रुपये 80 लाख खानदानों की इमदाद इस तरह से
की गई, अल्लाह का शुक्र है। और 4 अरब रुपए मजीद हकूमत उन लोगों को जो कि अन मतलब बेरोजगारी की तरफ चले गए हैं उनके लिए भी रखती है इस वक्त। और इस वक्त उस टाइम के का फायदा उठाते हुए मुल्क के अंदर 70 लेबोरेटरीज इस वक्त कायम की गई हैं। 13 से 14 हजार के ऊपर हम टेस्ट करवा चुके हैं जो कि मजीद आगे बढ़ेंगे। 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स आ चुके हैं इस कंट्री के अंदर आगे की सिचुएशन को के ऊपर काबू पाने के लिए। और दूसरी बात ये आपने पूछी कि पीएम का पार्लियामेंट में आना या ना आना। देखें मैं ये कहती हूं कि क्वेश्चन ये नहीं है कि पीएम जो है वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इतनी सख्त और इतनी इस तरह की सिचुएशंस में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का क्वेश्चन बनता। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो चीजें या वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं जिनकी जरूरत है या उस तरफ से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर पीएम की नजर है या नहीं है। जब ये सब चीजें हो रही हैं और पीएम अपना एक्टिवली अपना रोल अदा कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े फ्रंट पे इस मुल्क को संभाल रहे हैं और बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो अगर हम उसको इसमें अगर ईज कर दें या इस पॉइंट को ना भी उठाएं तो इसमें कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। हाँ पॉइंट ये बनता है कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन के ऊपर ये सेशन बुलाया गया था जिसमें सेशन से एक दिन पहले अपोजिशन लीडर का लेटर आता है कि जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है। जब वो नहीं आ सकते उन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमारी जो कि एवरेज एज पार्लियामेंट की 60 बनती है तो बाकी लोगों को आप इस मुश्किल में क्यों डालने के लिए सेशन बुला रहे हैं। ठीक है तशफीन आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा ये पॉइंट आगे लेके शाइस्ता जी मुझे एक चीज बताएं। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का आना जरूरी नहीं था, वो जो चीजें मैनेज कर रहे हैं वो ब्रॉडर परस्पेक्टिव पे कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन लीडर ने भी कहा था मैंने नहीं आना तो इसलिए ये सो मतलब बैक टू स्क्वायर वन अपोजिशन और पार्लियामेंट हम इसी तरह ही चलते देखेंगे जी। नहीं मंजूर मैं इस में पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन जी एक सेकंड ताशफी मैं आ रहा हूं जी आपके पास जी। बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती है हमारी कि इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और ऑपोजिशन जो है ना वो ऑपोजिशन सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं ऑपोजिशन में वहां उनकी तमाम पार्टी बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, जमात बैठी है, वहां पूरे लोग बैठे हैं। और देखें ऑपोजिशन ने मिलके उसमें हुकूमत के लोग भी मेंबर्स शामिल थे जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इनके अपने मेंबर्स भी चाहते थे कि इसमें डिबेट हो तो तमाम लोग आए। और देखें मैं एक बात यहाँ कहूंगी कि अगर हम सेहत पे सियासत ना करें तो बेहतर है क्योंकि मंजूर आपको याद है कि हमने कल्सूम नवाज पे भी बड़ी सियासत कर ली और उस गरीब को मरना पड़ा टू प्रूव के वो बीमार थी और फिर मियां नवाज शरीफ पे भी हमने बड़ी सियासत कर ली। अब शहबाज शरीफ आना चाहते थे लेकिन ये पार्टी का फैसला था कि जब आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स आर उनकी जो सेहत है वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वो ना करें, उनको जब पार्टी ने कहा जी तमाम पार्टी मौजूद है तो आपको नहीं। लेकिन देखिए डोंट कंपेयर द प्राइम मिनिस्टर विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इस वक्त एक इमरजेंसी, यही तो बात है ना, वो आपके ऊपर डाल देते हैं आप उनके ऊपर डाल देती हैं। और अगर आपको नो मंसूर गिव मी अ मिनट, जब याद है आपको कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पूरी खुशअसलूबी के साथ अपने असिस्टेंट जो उनके थे एडवाइजर्स के साथ रन कर रहे थे तो इनको बड़ी शिकायतें होती थी और बड़े शिकवे थे। और इस वक्त इससे ज्यादा बड़ी इमरजेंसी इस मुल्क पे क्या पूरी दुनिया पे जो वबा आई हुई है इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो वेयर इज द हेल्थ मिनिस्टर, वेयर इज देयर स्ट्रेटजी कि जी हम इतने रेशियो अगर आया बीमारी का ये रेशियो हुआ तो हम ये करेंगे, अगर इतना रेशियो हुआ तो हम ये करेंगे। मुझे एक चीज बताइएगा हम देख रहे हैं कि वबा फैल रही है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, आज 1% डिस्काउंट रेट मजीद कम किया गया है। इकोनॉमिक साइड के ऊपर मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी कमजोर है, वी कैन नॉट अफोर्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ये मैं खुद भी इस चीज के हामी हूं। लेकिन इस सारी सिचुएशन से अब निकलने के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है
कि स्ट्रैटेजी क्या आप लोग बना रहे हैं। अब देखिए लाहौर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 3 दिन के लिए लाहौर लॉकडाउन हो गया, अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं हम करना चाह रहे और हम इसको टीज कर रहे हैं और वो प्रोविंसेस से कह रहे हैं, वेयर एज पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब हैं और कल यहां पर सीसीपीओ लाहौर। आप सोचें कि लॉकडाउन का अनाउंस भी कौन कर रहा है, सीसीपीओ लाहौर, मतलब इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स, बट नेवरदलेस क्या स्ट्रैटेजी डू यू हैव इन माइंड जी? देखें जी, स्ट्रैटेजी इसके ऊपर पूरी तरह से ऑब्वियसली बना के तो काम किया जाता है। ये जो लॉकडाउन होता है और एटीज आता है और फिर बंद होता है, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है कि जब लॉकडाउन थोड़ा सा खोल के तो ये देखा जाता है कि हमारी आवाम किस तरह रिएक्ट करती है। पहले तो जी बात ये जो इन्होंने थोड़ा सा मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि जी पीएम का होना कितना जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा, आपने इस बात को इस तरह से किया, मैंने ये नहीं कहा कि आगे फ्यूचर में भी इस तरह ही चलता रहेगा या चलना चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि जो पीएम है वो एक बड़े फ्रंट पे क्योंकि चीजों को संभाल रहे होते हैं और अगर कभी अपनी किसी मसरूफियत की वजह से वो कोई किसी चीज को अटेंड नहीं कर सकते तो इशू ये नहीं होना चाहिए कि पीएम मौजूद है या नहीं, इशू ये होना चाहिए कि वो काम या वो चीजें उस तरह से हो रही है या नहीं हो रही है। और हेल्थ मिनिस्टर जी हमारे एडवाइजर हेल्थ मौजूद है, वो बहुत वेल एजुकेटेड जी। मैं आता हूँ आपके पास, आप फिक्र करें, आता हूं आपके पास जी। तश्वीन कंटिन्यू कीजिए, बात की मुझे भी करने दीजिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मौजूद, एडवाइजर मौजूद हैं और वो बहुत वेल एजुकेटेड और मतलब कि बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता, मतलब इसमें ये बात है कि अगर ये कह रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं लेकिन अगर उनकी जगह पूरी पार्टी दूसरी बैठी है तो क्या उनका आना बहुत ज़रूरी है? नहीं, हम नहीं कहते, ना ही हम किसी की सेहत पे बात करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो चीज़ें आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरों पर भी करके देखें कि अगर पीएम किसी वजह से बिजी हैं या आप ही मुल्क के किसी और महाज को संभाल रहे हैं तो उनकी पूरी पार्टी भी वहाँ बैठी है। ठीक है, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, और हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर समझ लें आप, इतने बड़े लीडर हमारे, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे बैठ के इनिशिएट भी कर रहे हैं बात को और हर बात का जवाब भी दे रहे हैं तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर अड़ने की बजाय, ताश्वीन आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया जी, ठीक हो गया, की तरफ बात करनी ठीक है। अच्छा शाइस्ता जी, मैंने थोड़ा सा आगे चलना है, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मुझे एक चीज बताइएगा। शहजाद अकबर, उन्होंने एक नया सवालात का वो उन्होंने शो किया और उन्होंने 10 अफराद के नाम पर कंपनीज थी जी, 40-50 करोड़ रुपया उन कंपनीज में जाता था, वहां से पार्टी फंड के अंदर जाता था, पार्टी फंड से शहबाज शरीफ साहब के और इनके बच्चों के और बेगमात के अकाउंट्स में जाता था। इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट या कोई जवाब आएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से या बस ठीक है? देखें मंजूर, ये तो जो है ना ये सर्कस, शहजाद अकबर साहब तो हर चौथे दिन सर्कस लगा के बैठे रहते हैं। वी डोंट कंसिडर हिम एनीथिंग। अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं, अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो ले जाएं कोर्ट्स में, ले जाएं नैब। देखें नैब का और इनका गठजोड़ जो है वो तो अब किसी से छुपी हुई बात है ही नहीं। देखें ये डाइवर्ट करते हैं, आप मुझे बताएं जब कोई बड़ा इशू आता है, आप देख लीजिए शहजाद अकबर साहब नमूदार होते हैं और अपनी सर्कस शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं ये जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, जो इंडिया से लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग आना था, उसके गाब में जो तमाम दवाइयां वो इमरान न्याजी एज हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी में ये डाका दोबारा डला है, जबकि आपको याद हो कि एक डाका पहले भी डल चुका है जो इनके मिनिस्टर हेल्थ इन्होंने लगाए थे। शास्त्री जी वो ठीक है, मुझे जरा इसका बताइएगा, ये बताएं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है तो विल ही नॉट रिस्पॉन्ड टू इट? देखें नो, शहजाद अकबर साहब अगर दे रहे हैं तो दिस इज, दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई इस तरह बैठ के कागज लहराए कि ये कागज है और ये देखो, ऐसा कहीं नहीं होता। इफ ही हैज समथिंग ही शुड टेक इट टू कोर्ट और हम वहां जवाब ही शुड टेक इट टू कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में इनके केसेस का हाल हो रहा है वो आपसे और मुझसे और सारे दुनिया में भी अब पोशीदा नहीं है कि वो कहते हैं कि ये मनूवरिंग हो रही है, ये इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। ठीक है तश्वीन, मुझे एक चीज बताइएगा। शाइस्ता जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, मुझे एक मिनट तश्वीन, मुझे एक चीज बताइएगा, मीडिया क्या फोरम है चार्जेस को करने के लिए या कोर्ट में जाना चाहिए, जिस तरह शाइस्ता परवेज कह रही हैं कि जो भी एलिगेशंस हैं वॉट एवर इज देयर आप लोग कोर्ट में लेकर जाएं, कुछ जाके आप ले मीडिया के ऊपर लेकर आए और हम इन्हें कुछ नहीं समझते जी। शहजाद
और वो कुछ नहीं समझते शहजाद अकबर को, आपने उनको मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी बनाया हुआ है, स्टेट मिनिस्टर जी। जी मोहम्मद तो जी, मुझे अंदाजा हो गया कि किसी भी ऐसे बंदे को कुछ नहीं समझते जो इनके किसी पुराने केस की पकड़ करे। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगी मंसूर, बात ये है कि हम बात करते हैं इदारों की मजबूती की सिर्फ, उसके अलावा हम और कोई बात नहीं करते कि जो भी इदारे इस मुल्क में हैं वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं उनको पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें और वो उसमें उनको कोई रोक टोक ना हो। अब जैसे नैप का इदारा है उसमें जो भी केसेस हैं, जिस तरह नैप के चेयरमैन उनको की वीडियो का पहले क्लियर करा दें। ठीक हो गया शाइस्ता जी, बिल्कुल ठीक है। उसमें जिस किस्म के भी केसेस हैं वो चाहे इन्हीं की हुकूमतों के वो दायर करदा केसेस हैं, फर्क सिर्फ इतना है। ताश्वीन सॉरी मेरा जी आज का टाइम खत्म हो गया, ताश्वीन सफदर आई एम वेरी सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम ताश्वीन सफदर।